हेलो नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैं इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम दो कोर्सेस पढ़ रहे हैं। एक यहाँ पे ये ऑफलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग वीडियो का कोर्स, जो बच्चे आगे तैयारी करेंगे या अदर अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए कोर्स चल रहा है, या जो CGL 2021 ही देना चाहते हैं बट एक एक दिन में तीन तीन चार चार वीडियो खत्म कर सकते हैं, या जिन्होंने पहले गणित पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी हुई, सबके लिए है ये। और लेकिन जो बच्चे अभी CGL 2021 देना चाहते हैं, जिनका 20 अच्छा है और जो अभी कुछ दिन पहले ही मुझे जाने हैं और वो चाहते हैं कि मैं मेरे तरीके उनको पता हो, तो मैंने एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है जिसमें अब तक लगभग 25 घंटे की क्लासेस हो चुकी है, 20 से 25 घंटे की। टोटल 80 घंटे का कोर्स है, फ्री कोर्स है, फ्री क्रैश कोर्स अनअकैडमी फ्री स्पेशल क्लासेस में, जिसके लिंक यहाँ पे भी हमने दिए हुए हैं, टेलीग्राम पे रोज डाल रहे हैं बैक टू बैक, और बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें, उसका फायदा भी उठा रहे हैं। ये फ्री कोर्स है, बहुत मजा भी आ रहा है इसमें। मैं वो चीजें बता रहा हूँ कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें पूछी जाएंगी और ये रट के आप सेलेक्ट हो सकते हैं, अगर आप तरीकों को रट सकते हैं तो ये कोर्स आप करना मत भूलो। हर दिन इसकी क्लास होती है, सैटरडे संडे होते हैं 4-4 घंटे, सुबह 10 से 12 और रात को 8 से 10, और बाकी दिन 5 बजे इसकी क्लास होती है, यानी कल भी 5 बजे होगी, परसों भी, हर दिन 5 बजे होगी। तो ये क्लासेस आप लेते रहो, फायदा उठाओ इस चीज का, जितना भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। जिन बच्चों ने कहीं से भी पढ़ाई है, उन बच्चों के लिए जहाँ आपने किसी भी टीचर से कहीं से भी खुद से तैयारी की है, तो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मैं यहाँ 80 घंटे में कंप्लीट मैथ्स रिवाइज करा दूंगा। इसके अलावा आप फ्री टेस्ट भी देते रहो, जैसा कि हर संडे हमारा होता है कॉम्बैट टेस्ट, अभी 13 मार्च को भी कॉम्बैट टेस्ट है, दिन में 12 बजे। अगर आप और सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हो, उसके लिए आपको रैंक लेके आनी होती है और फ्री क्लासेस मिलती हैं, तो वो भी आप दे सकते हो, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में देते हैं। बाकी अभी हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस इसमें स्टार्ट कराया है, रिकॉर्डिंग कोर्स में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की रिकॉर्डिंग अभी हम डालेंगे हर दिन एक एक दो दो। तो आप ये अभी जस्ट टाइम एंड वर्क खत्म किया था, उससे पहले हमने प्रॉफिट लो, बहुत सारे टॉपिक बैक टू बैक हमने खत्म किए हैं, ज्योमेट्री एंड ऑल। तो ये आप देखते रहो, इनको भी पढ़ो, जो लोग आगे तैयारी करेंगे, जिनके पास ज्यादा टाइम है, जिनके बाकी के सब्जेक्ट हो चुके हैं, और बाकी सबके लिए क्रैश कोर्स, ठीक है? चलो एंजॉय करो, मिलते हैं कल क्लास में। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पे सवाल भी बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, एकदम नेक सवाल बनते हैं। ठीक है, टाइम से ही पता चल रहा है कि वक्त की बात कर रहा है। जिसको अच्छा बनाने में हम सब लगे रहते हैं कि वक्त बदल जाए, वक्त बदल जाए, फिर अच्छा हो, सारा जान आ सही दो चार अपने हो। ठीक है, स्पीड का मतलब होता है चाल, किसी की ज्यादा हो सकती है सवाल करने की, किसी की कम हो सकती है, इससे कोई मतलब नहीं है। और डिस्टेंस का मतलब होता है कि आदमी जवानी में बहुत तेज चल पाता है और बुढ़ापे में धीरे धीरे चलता है। आपने सुना होगा कि जवानी में हिल हिल कर चलते थे और अब बुढ़ापे में चलने में हिलते हैं, बहुत बुरा हाल हो जाता है, वो स्थिति हो जाती है। ठीक है, तो इस तीन चीजों पे पूरा टॉपिक है। और इन तीन चीजों में भी, जैसे कि जब मैं सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि रेट की डेफिनेशन पे पूरा टॉपिक है। ठीक है, रेट की डेफिनेशन यानी दर की परिभाषा, और उसी से पूरा ऐसा ही कंप्लीट हो जाता है। ऐसे इस पूरे टॉपिक में कुछ कॉन्सेप्ट है और एक स्पीड की डेफिनेशन, जिसका अहम रोल है कि अगर हमें स्पीड की डेफिनेशन समझ में आ जाए तो स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है। जैसे आपने देखा होगा स्पीड का मतलब इधर 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 मीटर प्रति सेकंड, इसका मतलब है 16 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है कि 1 घंटे में 16 किलोमीटर चल रहे हैं। 10 मीटर पर सेकंड का मतलब है कि 1 सेकंड में 10 मीटर चल रहे हैं। तो स्पीड का क्या मतलब हुआ कि 1 घंटे में चलेगी दूरी, 1 सेकंड में चलेगी दूरी, 1 मिनट में चलेगी दूरी को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो अभी इतनी सारी चीजें लिख के हम एक एक आ रहा है बार बार, तो इस एक को हम क्या कह सकते हैं, यूनिट। ठीक है, यूनिट टाइम, तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी, इसका मतलब लिख लेंगे नीचे, 1 घंटे में चली गई दूरी स्पीड होती है,
एक मिनट में चली दूरी स्पीड होती है, एक सेकंड में चलेगी दूरी स्पीड होती है, ये सारी बात है। एक घंटे में, अगर कोई हमें ये कहता है कि यार 8 घंटे में एक इंसान 144 किलोमीटर जाता है और इसकी स्पीड बताओ, तो हम कहेंगे हम 1 घंटे में निकाल देते हैं जी कितना जाएगा, तो 8 से भाग कर दिया हमने, 8 एकम 8, 8 2 64, यानी कि 18 किलोमीटर जाएगा। तो 18 किलोमीटर पर आवर क्या है इसकी स्पीड है। अगर कोई कहता है कि यार एक आदमी 20 सेकेंड में 800 किलोमीटर जाता है या 800 मीटर जाता है, तो हम बोलेंगे जी 1 सेकेंड में कितना जाएगा, 1 सेकेंड में 40, तो 40 क्या है, 40 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है। बस एकांक समय में चली गई दूरी को स्पीड कहते हैं, चाहे वो 1 घंटे में हो, चाहे 1 मिनट में, चाहे 1 सेकेंड में। चली गई दूरी क्या है, स्पीड है, चाल है। तो अब तक हमने बात की सिर्फ और सिर्फ स्पीड की, कि स्पीड क्या होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट के। आप एक और चीज यहाँ पे देखेंगे कि जब मैं स्पीड निकाल रहा हूं तो ये किलोमीटर में जो था ये डिस्टेंस थी, नहीं, और ये जो था ये टाइम था। तो जब मैं स्पीड निकाल रहा हूं तो मैं डिस्टेंस को टाइम से भाग कर रहा हूं। तो यानी कि यहाँ पे आप एक चीज कह सकते हैं कि जो स्पीड होती है वो होती है, अभी मैं टाइम दूंगा उसको भी देखने का, स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डी बाई टाइम। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख देते हैं कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, या फिर टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां से हम यूनिट ऑफ स्पीड भी समझ सकते हैं कि क्या होगी यूनिट ऑफ स्पीड, कहने का मतलब स्पीड का मात्रक क्या होगा। तो देखिए मात्रक कैसे निकलेगा भाई, अगर डिस्टेंस किलोमीटर में हुई तब नीचे, और टाइम आवर में, तब तो ये आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। अगर ऊपर डिस्टेंस मीटर में हुई, नीचे टाइम सेकंड में, तब ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड। अगर हमें दोनों में रिलेशन निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए कि 1 किलोमीटर पर आवर बराबर होगा 1 किलोमीटर बटे 1 आवर। 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, 1 आवर का मतलब 3600 सेकेंड, यानी ये कितना आ गया, 5 बटे 18 मीटर पर सेकेंड। यानी 1 किलोमीटर पर आवर बराबर होता है 5 बटे 18 मीटर पर सेकेंड। तो 1 मीटर पर सेकेंड का मतलब कितना है, 18 बटे 5 किलोमीटर पर आवर। 1 मीटर पर सेकेंड का मतलब कितना है, 18 बटे 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए। तो 2 सेकेंड में तो आप इसके बारे में लिख लीजिए जो मैंने पिछले पेज पे बताया है, फिर आगे के 2 सेकेंड में इस पेज के बारे में लिख लीजिए। ठीक है, ये आपने देख लिया होगा आगे हमने क्या लिखा। इतनी सी बात हमने लिखी, स्पीड बराबर। आप ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि मैं ऐसे सवाल बताऊंगा कि डिस्टेंस 360 किलोमीटर है,
टाइम 10 घंटे है तो स्पीड निकालो और आप तुरंत भाग करेंगे 360 में 10 का और उत्तर आ जाएगा, ऐसा नहीं। या स्पीड दे दूंगा 50, टाइम 8 घंटे, दूरी बताओ। ठीक है, तो ऐसे सवाल की उम्मीद आप हमसे ना करें। हमने बड़े बड़े अदरप्पाओं को मार गिराया है। ठीक है जी, इतना लिखने के बाद आराम आराम से चलेंगे। आप लिखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 1, आगे बढ़ जाए जी। कॉन्सेप्ट नंबर 1, जब टाइम सेम होता है, टाइम सेम के आगे लिखेंगे मीटिंग टाइम ऑलवेज सेम। देखिए, अगर सामने वाला झूठ ना बोले तो मीटिंग टाइम ऑलवेज सेम होता है। जैसे कि आप 10 बजे निकले और वो भी 10 बजे निकले और दोनों 1 बजे मिल गए, यानी कि इसने भी 3 घंटे चलाए, भले ये कहीं भी मिले इसने भी 3 घंटे चलाए। हो सकता है कि इसकी स्पीड कम हो, इसने कुछ ही दूरी तय की हो, इसकी स्पीड ज्यादा हो, इसने ज्यादा दूरी तय की हो। या लोग बहाना मार देते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा था, आज मेट्रो हर स्टेशन पे रुक रही थी बहुत बहुत देर। झूठ होता है सब। कुछ लोग ऐसे बोल देंगे आपको कि जी मैं बस निकल गया हूं, ताला डाल रहा हूं, अभी तैयार भी नहीं हुए हो, खटपट की बस ताला डाल रहा हूं। झूठ बोलते हैं लोग बहुत। तो देखिए, झूठ बोलने वाले का कंसेप्ट गणित में है नहीं। अगर झूठ नहीं बोल रहे तो मीटिंग टाइम हमेशा सेम होगा। अगर दो आदमी मिलने के लिए निकले हैं तो दोनों बराबर ही टाइम स्पेंड करेंगे। दूरी भले ही अलग अलग हो सकती है कि एक आदमी S1 की स्पीड से जा रहा है और D1 दूरी तय कर रहा है और दूसरा आदमी S2 की स्पीड से आ रहा है और D2 दूरी तय कर रहा है। दूरी अलग अलग हो सकती है लेकिन मिलने का समय सेम होगा। इसने भी यहां तक पहुंचने में ठीक टाइम लिया होगा, इसने भी यहां तक पहुंचने में टी टाइम लिया होगा, यानी कि टाइम इक्वल होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इसका टाइम कितना होगा। तो आप बोल देंगे जी टाइम तो ऐसे निकलता है S1/D1। इसका टाइम कितना होगा जी? S2/, उल्टा कर दिया शायद हमने, D1/S1, और इसका क्या होगा? D2/S2। तो आपने देखा यहां से D1/D2 बराबर आ गया S1/S2। तो आपने एक चीज नोटिस की कि अगर टाइम बराबर है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्पीड के। वो तो होगी, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो ज्यादा दूरी चलेगा, जिसकी स्पीड कम होगी वो कम दूरी चलेगा। यानी कि जब टाइम सेम होता है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि डिस्टेंस का रेशियो टाइम स्पीड के रेशियो के बराबर होगा। डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होगा। डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होगा, या आप इसी चीज को कह सकते हैं बराबर होगा, बराबर। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि इफ टाइम इज सेम, और टाइम सेम होगा ही। देखिए, पूरे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में दो ही तरीके के सवाल बन सकते हैं, या तो टाइम सेम होगा या डिस्टेंस सेम होगी। रेयर ऑफ द रेयर केस में क्या होगा? स्पीड सेम होगी। जब एक ट्रेन एक पुल को पार करेगी, दूसरे पुल को भी पार करेगी, तो उस केस में स्पीड सेम हो जाएगी क्योंकि लेंथ वेरी करेगी। ठीक है, एक बंदा नोटिस करेगा तो उस वैसे सवाल भी हम करेंगे कि स्पीड सेम हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस 98-99% सवालों में क्या होगा, या तो डिस्टेंस सेम होगी या टाइम सेम होगा। आपको दिख जाएगा अगर डिस्टेंस सेम नहीं है इसका मतलब टाइम सेम है। मीटिंग टाइम हमेशा सेम होगा। जब भी कोई दो आदमी मिल रहे होंगे तो उनका मिलन का जो समय होगा वो हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, और अगर मीटिंग टाइम सेम है इसका मतलब डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होगा। इतनी सी बात है। जरूरी नहीं है वो एक ही डायरेक्शन में मिल रहे हैं, उनका मिलने का ऐसा भी हो सकता है, ऐसे मिल रहे हैं, इसे प्यार से मिलना कहते हैं। एक ऐसे भाग रहा है और दूसरा उसका पीछा कर रहा है, लड़ाई के बाद का मिलन है ये। तो आप ये सारी चीजें देख सकते हो जी। ठीक है,
तो क्लियर है ये कंसेप्ट आपको कि इफ टाइम इज सेम, इफ द मीटिंग टाइम इज सेम, देन द रेशियो ऑफ डिस्टेंस वुड बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्पीड। ठीक है, तो अगर आप इतनी सी बात समझ गए तो मैं कुछ सवाल आपके सामने लेके आता हूँ, कुछ सवाल हम करेंगे और इसको मिटाते हैं। ये तो कहानी हो गई, इसके बाद सवाल। वायरस दुनिया के पेन ड्राइव में, एक बार मैं चेक करता हूँ जब तक आप एक सवाल लिखिए। सवाल आप नोट करिए कि व्हेन ए व्हेन ए पुलिसमैन व्हेन ए पुलिसमैन चेज ए थीफ ऑनलाइन का जमाना है जी। देख, बड़ा आसान सा सवाल हमने आपसे पूछा है कि एक सिपाही एक चोर को 300 मीटर की दूरी से देखता है, इनका क्या होता है? ये देखिए, सेटिंग होती है, चोर बिना पुलिस की परमिशन के बन ही नहीं सकता। बड़े बड़े डॉन, आतंकवादी सब नेताओं और पुलिस के इशारों पे ही बनते हैं। बाद में जब ये उनको लगता है कि उन्हीं के लिए घातक होने लगे तो उनका एनकाउंटर करा दिया जाता है, नहीं तो बन ही नहीं सकता। तो ऐसे ये चोर देखा पुलिस ने, उसने इशारा किया जी माल कब्जे में, आगे जाके मिलेंगे, आधा आधा कर लेंगे। तो वो वाले सीन है यहाँ पे कि यहाँ पे सिपाही खड़ा था, पुलिस खड़ी थी, पुलिस पुलिस, और उसके बाद यहाँ पे खड़ा था जी थीफ, THIEF, और इनके बीच की दूरी थी जी 300 मीटर। और अब दोनों ने भागना शुरू किया, जैसे ही उसने देखा तो भागना शुरू किया। तो मान लेते हैं कि यहाँ जाके थीप यहाँ तक पहुंच पाया था और पुलिस की स्पीड ज्यादा थी, ये उतने टाइम में यहाँ तक पहुंच, यहाँ जाके कब्जा कर लिया। तो टाइम इक्वल होगा, मान लेते हैं 10 बजे चला है, 10 बजे ही चला और 10:11 पे पकड़ लिया, तो दोनों ने 11:11 मिनट लिए होंगे, टाइम इक्वल है या नहीं? अभी तो आपको पता ही है कि मैंने टाइम इक्वल का कॉन्सेप्ट बताया, तो मैं वही सवाल पूछूंगा। तो अभी आपको यहाँ पे पता चल गया जी टाइम इक्वल है। अगर टाइम इक्वल है तब क्या होगा दोस्त, कि डिस्टेंस स्पीड की अगर हम बात करें, या डिस्टेंस की हम बात करें कि डिस्टेंस ऑफ पुलिस, डिस्टेंस ऑफ थीप का रेशियो जो होगा वो स्पीड ऑफ पुलिस स्पीड ऑफ थीप के बराबर होगा। देखिए, इससे फायदा क्या है? सबसे पहले पहले आप इन सवालों को अगर रिलेटिव स्पीड से करते थे, उससे क्या होता था कि यहाँ पे 300 मीटर रहता था, तो पहले हमें जो इनका गैप होता था उसको 5/18 से गुणा करके
चेंज करना पड़ता था। हम क्या करेंगे, सारे सवालों को अगर हम ऐसे रेशियो से करेंगे तो यूनिट मैटर नहीं करेगी। बहुत रेयर केस में हमें ऐसा करना पड़ेगा कि कहीं भी किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ रहा है, नहीं तो नहीं पड़ेगी जरूरत। ठीक है, तो ये कितना आ गया जी, पुलिस की स्पीड है 13 और इसकी 10। तो आपको ये देखने की जरूरत नहीं यूनिट क्या है, क्योंकि यूनिट तो कट चुकी है, यूनिट तो अब हम डिसाइड करेंगे। अब अगर मैं यहां पे आपसे ये पूछता हूं कि भाई पुलिस ने थीफ से कितनी दूरी ज्यादा चली है, तो आपको जवाब होगा जी 3 ज्यादा चली है, यही जवाब होगा आपका। मैं कहूंगा सवाल में तो 300 था, तो आप बोलेंगे कोई बात नहीं, आप 2-0 चुप कर दो। तो 3 की जगह 300 है, तो 13 की जगह 1300 होगा और इसकी जगह 1000 होगा। इसने हमसे यही पूछा है कि पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका था, यानी कि ये 300 किसमें, मीटर में, तो फिर ये भी मीटर में होगा, ये भी मीटर में होगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 1 किलोमीटर। क्योंकि थीफ के बारे में पूछा इसलिए 1 किलोमीटर चला होगा, अगर पुलिस के बारे में पूछता तो 1.3 किलोमीटर। लेकिन पुलिस को तो दौड़ने की तनख्वाह मिल रही है, इसलिए उसके बारे में नहीं पूछेगा, सिर्फ किसके बारे में पूछेगा, हमेशा चोर के बारे में। किसी बच्चे को डाउट लग रहा है तो बता दे। देखिए ऐसे बेसिक बेसिक से सवाल आ जाते हैं, इसके अलावा भी कुछ और सवाल बन सकते हैं, बाकी तो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे अच्छे सवालों की। इसके अलावा क्या सवाल बन सकते हैं, जैसे सवाल की भाषा इस प्रकार की भी हो सकती है, जैसे आप ये देख रहे हैं सवाल सेम है, बस भाषा अलग है। देखिए अब यहाँ पे क्या दे रखा है, सवाल सेम ही है, कंडीशन भी सेम है कि एक पुलिस है और एक थीप है, चोर, THIEF, और इनके बीच की दूरी कितनी है जी, 700 मीटर। ठीक है, अब ये इसको यहाँ पे कहीं पकड़ता है, ऐसे दबोच लेता है, लाभ है आधा सामान। ठीक है, तो इसका मतलब ये तय हो गया कि टाइम सेम है, ये तो तय हो गया टाइम सेम है। अगर टाइम सेम है तो हम ये कह सकते हैं हमें डिस्टेंस निकालनी है कि डिस्टेंस अपॉन पुलिस अपॉन थीफ बराबर स्पीड ऑफ पुलिस अपॉन स्पीड ऑफ थीफ होगा। आप खुद देख रहे हैं कि स्पीड ना इसने कुछ अलग भाषा में दे रखी है, कैसे, इसने बोला हुआ है कि चोर 4.7 किलोमीटर इतने मिनट में दौड़ता है और सिपाही 4.7 34 मिनट में दौड़ता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये 4.7 किलोमीटर और कितने मिनट में दौड़ता है, सिपाही की बात कर रहा हूँ, 34 मिनट में। आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि आप इस लाइन को ना लिखे, ठीक है, आपको ये तो पता है अच्छे से कि जो पुलिस है वो ज्यादा दूरी चलेगा तभी पकड़ पाएगा। तो ज्यादा इसमें कौन सी मिनट है ये वाली, तो आप पुलिस के आगे डायरेक्ट ये मिनट लिख सकते थे, चोर के आगे ये। लेकिन मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि हमने स्पीड निकाल दी। स्पीड क्या होती है जी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसकी क्या होगी, 4.7 किलोमीटर और अपॉन ये 34 मिनट, 37 मिनट है इसका, 37.5 मिनट।
तो आप देखेंगे मिनट भी कट जाएंगी, 4.7 किलोमीटर भी कट जाएगा। रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो रेशियो आ जाएगा 37.5/34। यही चीज मैं कह रहा था कि आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या क्या आपको पता है पुलिस ज्यादा चलेगी तो 37.5, ये आप डायरेक्ट लिख सकते थे। जब भी कभी ऐसा दिया हो कि इक्वल डिस्टेंस दे रखी है इतने टाइम में, तो अब टाइम का रेशियो स्पीड का रेशियो उल्टा होगा, ये हम पढ़ेंगे अभी आगे। तो अब आप देख रहे हैं कि भाई पुलिस इससे कितनी दूरी ज्यादा चल रही है, तो जवाब आ रहा है 3.5। 3.5 ज्यादा चल रही है, जबकि सवाल में कितना है यही 700, यानी 3.5 की वैल्यू 700 मीटर। देखिए अगर यहाँ 35 होता तो मैं 20 बोल देता एक की वैल्यू, लेकिन 3.5 है, इस पॉइंट को हटाने में मुझे एक जीरो और लगानी पड़ जाएगी, यानी एक की वैल्यू 200 मीटर आएगी यहां से, आएगी या नहीं। तो चोर का पूछा है कितनी दूरी दौड़ेगा, तो 34 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6800 मीटर, जिसको हम सोफिस्टिकेटेड भाषा में लिख सकते हैं 6.8 किलोमीटर, और यही उत्तर है। तो कभी भी इस टाइप का सवाल आपके जीवन में आता है या आप नहीं कर पाते तो कोई बड़ी बात नहीं है जी, देर इज नो बड़ी बात। ठीक है जी, कोई डाउट है इसमें किसी सवाल को, कोई बच्चा कमेंट करके कुछ कह रहा है, क्लियर है, देखने एक बार। वेरी गुड वेरी गुड, 6800 आ गया, अच्छी बात है। चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, अगला सवाल भी शानदार किस्म का सवाल लेते हैं, कोई तीन सवाल। एक चोर एक सिपाही को 50 मीटर की दूरी से देखता है, इसमें कुछ और पूछा हुआ है, देखिए क्या पूछा हुआ है। देखिए ऊपर 150 है और नीचे 50 है, तो मैं चाहूंगा कि आप यहां भी 150 कर लें। ये कांस्टेबल फॉलो थीफ हुई 150 मीटर अहेड ऑफ द कांस्टेबल, कोई बात नहीं, कांस्टेबल एंड द थीफ रन एट स्पीड ऑफ, चल जाएगा जी इतना, 150 150 कर लीजिए। अब तो पेपर की डेट भी आ गई है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि आपका पढ़ाई में मन लगता होगा। अगर फिर भी मन नहीं लगता है तो फिर एक गोली ले लें आप, जिससे आपका मन लगने लगे। गोली मास्टर जी, एक हमारे भाई हैं पांडला, उन्होंने ली थी वो गोली, तब से उनका ऐसा मन लगा पढ़ाई में कि 24 में 23.5 घंटे पढ़ रहे हैं वो, सिर्फ आधा घंटे के लिए एक नैप लेते हैं। आप शायद नहीं समझ पाएंगे, नेप का मतलब आप नेपकिन समझ रहे होंगे, इसका मतलब होता है झपकी, ठीक है। एक सिपाही ने चोर को 150 मीटर की दूरी से देखा। देखिए जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया, अगर आप उस तरीके से सवाल को करते, मैं दोनों बातें बता दूंगा, तो ये 150 मीटर की दूरी पर था, 150 मीटर की दूरी पर।
ये पुलिस थी और ये थीफ था, यहाँ पे जाके इन्होंने इसको पकड़ लिया। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि भाई अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस ऑफ पुलिस बटे डिस्टेंस ऑफ थीफ, डिस्टेंस ऑफ थीफ बराबर होगा स्पीड ऑफ पुलिस बटे स्पीड ऑफ थीफ। तो पुलिस की स्पीड कितनी दे रखी थी, 8, और इसकी दे रखी थी 7.5। तो आप खुद देख रहे हैं कि इन दोनों का गैप कितना है, 0.5, और 0.5 की वैल्यू सवाल में 150 मीटर थी। 50 मीटर मान लेते ज्यादा सही रहता, लेकिन चलो कोई नहीं, अब जो मान लिया मान लिया। तो पॉइंट हटाएंगे जी, जैसे अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ ऑलरेडी 0 बढ़ जाएगी, 1 की वैल्यू 300 मीटर आ जाएगी। तो देखिए अब ये जो टाइम है ना, दोनों ने बराबर लिया है, आपको पता है पुलिस ने भी बराबर लिया है और चोर ने भी बराबर लिया है। तो मैं चोर की दूरी ना निकाल के, क्योंकि थोड़ी मुश्किल हो रही है गुणा करना, इसकी दूरी निकाल देता हूँ। इसकी दूरी आ गई जी 2400 मीटर, यानी कि मुझे पता चल गया कि इस आदमी ने 2400 मीटर चलाया, जिसको मैं कह सकता हूँ 2.4 किलोमीटर, 2.4 किलोमीटर। अब आपको पता है इसकी स्पीड भी पता है। अब जैसे हमें टाइम निकालना है, किसी का भी निकाल दूं दोनों में से टाइम, चाहे तो मैं पुलिस का निकाल दूं चाहे थीफ का निकाल दूं, तो आपको पता है कि जी पुलिस वाले ने 2.4 किलोमीटर चलाया और उसकी स्पीड 8 थी, तो 8 दिया 24, यानी कि 0.3 आवर आ गया। 0.3 आवर का मतलब 3/10 घंटे, और अगर हम इसको 60 से गुणा कर दें तो 18 मिनट उत्तर आ जाएगा। लेकिन आपने एक चीज देखी कि हमसे सवाल में, अभी जो पिछले सवाल थे उन सवालों में मैं रिलेटिव स्पीड लगाने के लिए क्यों मना कर रहा था, इसलिए मना कर रहा था क्योंकि रिलेटिव स्पीड से पहले टाइम आता है और उसके बाद दूरी आती है, लेकिन जो मैंने तरीका बताया उससे पहले दूरी आती है और बाद में टाइम आता है। तो हमें दोनों ही तरीके आने चाहिए। अगर आपको रिलेटिव स्पीड हम आगे चल के पढ़ेंगे, अगर जिन लोगों को अभी आता है तो मैं बता देता हूँ कि रिलेटिव स्पीड से इसमें डायरेक्ट टाइम आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, दोनों के बीच की दूरी है 150 मीटर, ठीक है, मीटर में है, तो मैं इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लूंगा। इनके बीच का गैप कितना है, 0.5, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं इसीलिए गैप आएगा, और 5/18 से मैंने गुणा कर ली तो 18 पहुंच जाएगा ऊपर। तो आप देखेंगे 5/25, 5 से अगर इसको काटेंगे 30 बार कटेगा, 5 से इसको काटेंगे 6 बार, लेकिन पॉइंट लगा हुआ है इसलिए 60, तो 18 × 60 आ गया, ये सेकंड आ गया। अगर इसको 60 से और भाग कर लूं तो क्या होगा, 18 मिनट उत्तर आ गया। तो आपने देखा रिलेटिव स्पीड से डायरेक्ट हम 18 मिनट पे पहुंच रहे हैं। तो आपको दोनों ही तरीके आने चाहिए। जब टाइम पूछे तो हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, क्योंकि अब हमें दूरी की जरूरत नहीं है, टाइम की जरूरत है। रिलेटिव स्पीड से डायरेक्ट टाइम आता है, और यहां से डायरेक्ट क्या आती है, पहले दूरी आती है और फिर हमने टाइम निकाला है। तो ये बेसिक सी बात है जो आप फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे रिलेटिव स्पीड, कोई ऐसी बात नहीं है कि वो आपको नहीं आते, वो तो सवाल आ गया बीच में, तो मैंने बता दिया कि अगर इस तरीके से भी कर रहे हैं तो उत्तर तो निकल ही आएगा। ठीक ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और एक सवाल लेते हैं। आप देखेंगे बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है। इस सवाल में थोड़ा दिमाग लगाइए। सवाल कह रहे जी, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय करता है, यदि वह अपने सामान्य चाल में 1/15 की कमी कर दे तो उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम चलता है, तो व्यक्ति की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। बड़ा अच्छा नेक सवाल है, और हम जानना चाहेंगे रोमा के आसिक इस सवाल को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आप देखेंगे इस सवाल को, देखिए इस सवाल में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए खुद क्लियर लिखा हुआ है कि उतने ही समय में, साफ साफ लिखा हुआ है उतने ही समय में, यानी कि टाइम सेम है। जब सवाल में ही लिख दिया कि उतने ही समय में, इसका मतलब टाइम सेम है। हम इस सवाल को दूरी सेम करके भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन टाइम सेम में ज्यादा मजा आएगा।
अब आपको पता है कि जो डिस्टेंस का रेशियो होगा पहले वाली और बाद वाली डिस्टेंस का रेशियो डी वन अपॉन डी टू, डी इनिशियल और डी फाइनल, तो आप बोलेंगे कि वो होगा जी स्पीड इनिशियल और बटे फाइनल। अब आप जान रहे हैं स्पीड में 1/15 की कमी हुई है, अगर वो 15 थी तो 1 की कमी होकर 14 हुई है, तो रेशियो सेम होगा, तो यही रेशियो डिस्टेंस का होगा। तो सवाल में कह रहा है कि उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम चल पाता है, चल पाता है कि नहीं? हमारे हिसाब से 1 किलोमीटर कम चल पा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं भाई साहब 1 पे 0 चुपकानी है तो हमने चुपका दी, यानी कि पहले ये 150 किलोमीटर चलता था और बाद में 140। तो इसने दिया भी है कि एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय करता है, यानी कि ये जो 150 किलोमीटर है ना, इनको ये आदमी 30 घंटे में तय कर रहा था। तो आप ही बताइए, अगर 30 घंटे में 150 किलोमीटर चल रहा था तो 1 घंटे में कितना चलेगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये उसकी क्या आ गई? स्पीड। ये उत्तर है, फिर समझा दूंगा एक बार, देखो ध्यान से। देखिए भाई, सवाल में क्लियर लिखा हुआ था कि उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम चलता है, तो डिस्टेंस इनिशियल, डिस्टेंस फाइनल, स्पीड इनिशियल, स्पीड फाइनल बराबर 15/14। 1 किलोमीटर कम चल रहा है, सवाल में कह रहा है 10, तो 150 और 140, तो 30 घंटे में 150 किलोमीटर चलता है, 1 घंटे में 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही हमारा उत्तर है जो सवाल में पूछा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, एक और सवाल कर लेते हैं, फिर हम दूसरे कंसेप्ट पे आते हैं। पांचवा सवाल हो गया क्या? पांचवा, छठा सवाल ये आपने करना है, ये भी अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिए और खुद उत्तर निकालिए। एक दो सवाल का उत्तर जब तक खुद नहीं निकालेंगे कोई मतलब नहीं बनता। देख लीजिएगा इंग्लिश हिंदी में सवाल सेम है कि नहीं। देखिए भाई, कैसे हम इस सवाल को अंजाम देंगे, पहले तो देखना पड़ेगा क्या सेम है। इन्होंने बोला हुआ है सवाल में कि दो लोग P और Q एक ही बिंदु A और B से चलते हैं। देखिए A बना लिया हमने, B बना लिया, और A और B के थोड़ा और दूरी पे ले लेते हैं B को। A और B के बीच की जो दूरी है वो 60 किलोमीटर है। अब दो बंदर हैं, दो बंदे हैं पी और क्यू, ए से एक ही समय पे स्टार्ट करते हैं चलना, और पी की चाल क्यू से 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। क्यू बी पर पहुंचकर तुरंत वापस लौटता है, यहां पे पहुंचा ठीक है और तुरंत वापस लौटा, और ये पी को यहां पे मिल गया 15 किलोमीटर की दूरी पर। ये दिया हुआ है सवाल, ठीक है, यही दिया हुआ है कि 15 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है। मान लेते हैं कि P 10 बजे चला था, Q भी 10 बजे चला था, और 11 बजे मिल गए, तो दोनों ने एक एक घंटे लिया है? नहीं लिया, बिल्कुल लिया है, यानी कि टाइम सेम है, ये तो तय हो गया। अगर टाइम सेम है, टाइम अगर सेम है तो क्या होगा? स्पीड ऑफ P बटे स्पीड ऑफ Q बराबर हो जाएगी डिस्टेंस ऑफ P बटे डिस्टेंस ऑफ Q के बराबर हो जाएगी। अब आप बताइए P ने कितनी डिस्टेंस चली है, तो आपका जवाब होगा जी P ने चली है 60 - 15, 45 किलोमीटर इसने चला है, 45 किलोमीटर। मैं पूछूंगा Q ने कितनी चली है, तो आप बोलेंगे एक बार 60, 15 और चलिए, यानी कि 75। तो 15 दिया 45 और 15 75, ये 3 और 5 का रेशियो आ गया स्पीड का। सवाल में हमें ये दिया हुआ है, सवाल में हमें दिया हुआ है कि पी की स्पीड क्यू से 6 कम है, जबकि हमारे हिसाब से पी की स्पीड क्यू से 2 कम है, यानी कि 2 ही 6 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर है। अगर ये मील प्रति घंटे में भी होता तो भी हम उत्तर निकाल देते, कोई फर्क नहीं पड़ता भले ये किलोमीटर में, क्योंकि अब जो रेशियो आया है ना, ना तो ये किलोमीटर में ना ये मीटर में, ये हमारे हिसाब से बदलेगा। कैसे? हम इसको 2 को जिसके बराबर रखेंगे, अगर हम 2 को 6 मील प्रति घंटे के बराबर रखेंगे तो 3 की वैल्यू 9 मील प्रति घंटा आएगी। अभी किलोमीटर पर आवर के बराबर रख रहे हैं, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है,
तो 3 की कितनी हो जाएगी जी, 9 किलोमीटर पर आवर, और 5 की कितनी हो जाएगी, 15 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बात? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो रेज योर हैंड और कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। एनीबडी एल्स? बैल्स, गाय, बछड़ा, भैंस, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, अगर फिर भी समझ नहीं आया तो अब आ जाएगा। ए और बी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर थी, सवाल में दिया हुआ था कि पी की स्पीड कम है, धीरे धीरे चल रहा है, तो दोनों एक साथ चले उतनी देर में क्यू बी पर पहुंच गया और वापस लौट के 15 किलोमीटर पे इसको यहां मिल रहा है। हमने कहा एक साथ चले थे, एक साथ मिल रहे हैं, तो मीटिंग टाइम सेम होगा, और अगर मीटिंग टाइम सेम है तो स्पीड ऑफ पी स्पीड ऑफ क्यू का रेशियो डिस्टेंस ऑफ पी डिस्टेंस ऑफ क्यू के बराबर होगा। ठीक है, तो पी ने कितनी डिस्टेंस चली है जी, इतनी डिस्टेंस चली है पी ने, और ये 15 थी और ये 60 पूरी है, तो यानी कि ये कितनी है, 45। क्यू ने कितनी चली है, एक बार पूरा बी तक पहुंच गया, 60 चल गया और 15 और चली है, 75। तो ये 3:5 का रेशियो आ गया, मुझे पता चल गया कि जी पी और क्यू की जो स्पीड का अनुपात है, स्पीड का, वो 3:5 है। तो यहां से हमें देख के पता चल रहा है कि इसकी स्पीड 2 कम है, 2 की वैल्यू सवाल में 6 थी, 3 गुनाए तो 3 की कितनी हो जाएगी, 9 और 5 की 15, यही उत्तर है। अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये भी 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, इतनी सी बात है। चलिए कोई बात नहीं, आप लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या होगा इसमें, फिर हम मिला के भी सवाल करेंगे। अभी तो हम क्या कर रहे हैं कि सिर्फ कॉन्सेप्ट जान रहे हैं, और बहुत सारे सवाल करेंगे, बहुत नए नए सवाल, बहुत अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। ठीक है, तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है कि जब डिस्टेंस सेम हो। डिस्टेंस सेम का मतलब क्या है कि आप घर से सुबह निकलते हैं और ऑफिस पहुंचते हैं, रोज का आपका यही काम है, शाम को फिर ऑफिस से घर पहुंचते हैं, डिस्टेंस सेम है, लेकिन कभी टाइम ज्यादा लग रहा है, कभी टाइम कम लग रहा है। उसकी वजह यह है कि आपकी स्पीड पे मैटर कर रहा है टाइम। अगर आपकी स्पीड कंटिन्यूस ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, अगर आपकी स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, यानी कि टाइम और स्पीड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। जैसे टाइम सेम के केस में क्या होता था कि स्पीड ज्यादा है तो डिस्टेंस भी ज्यादा, स्पीड कम तो डिस्टेंस भी कम, लेकिन डिस्टेंस सेम के केस में क्या होगा कि अगर स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, अगर स्पीड डबल है तो टाइम आधा लगेगा, स्पीड ट्रिपल है तो टाइम 1/3 लगेगा। कहने का मतलब आप देख भी सकते हैं, जैसे एक आदमी डी जा रहा है, डी गया S1 की स्पीड से गया था और T1 टाइम लिया था, और वापस आया S2 की स्पीड से और T2 टाइम लिया, तो आपने देखा कि डी जो है पहले वाले केस में S1 T1 के बराबर है और दूसरे वाले केस में S2 T2 के बराबर है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि S1 अपॉन S2 बराबर T2 अपॉन T1 होगा, कह सकते हैं कि नहीं, S1 अपॉन S2 बराबर क्या होगा, T2 अपॉन T1। तो आपने देखा स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा आ गया, यानी कि हमें ये कहना चाहिए कि जब डिस्टेंस सेम होगी तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होगा, यानी इनवर्स होगा, टाइम के रेशियो का इनवर्स होगा, उल्टा होगा। इतनी सी बात भी हम यहां पे समझ लेंगे या लिख लेंगे कि अगर स्पीड
कहीं भी जा रहा है कोई बंदा, उसकी स्पीड एस है और टाइम टी लग रहा है, तो अगर वो स्पीड 2S करेगा डबल तो टाइम आधा, अगर वो स्पीड 3S करेगा तो टाइम T/3, अगर वो स्पीड को 4/3S करेगा तो टाइम 3/4T, अगर वो 5/7 करेगा स्पीड को तो टाइम 7/5T, ऐसे हो जाएगा। ये बात भी कोपचे में लिख लेना। तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 है जो हमें समझना है, सीखना है। इतनी सी बात समझ गए आपके, कॉन्सेप्ट नंबर 2 होगा, ठीक है, डिस्टेंसिंग। तो अब हम इस पे भी कुछ सवाल कर लेते हैं, छोटे मोटे। छोटे मोटे सवाल को इंग्लिश में हम कहते हैं स्मॉल फैटी क्वेश्चन। स्मॉल माने छोटे, मोटे मतलब फैटी क्वेश्चंस। चलो अभी ये वाला सवाल भी कर लो एक बार पहले, फिर हम उस सवाल पे आएंगे। अभी दो लोग पी और क्यू एक ही बिंदु से स्टार्ट करते हैं, वैसा ही सवाल है जैसे ए था और बी था। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 90 किलोमीटर है। 90 किलोमीटर, ठीक है। पी की चाल 26 किलोमीटर प्रति घंटा है। पी की चाल 26 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब की बार चाल दे रखी है, पी मान लेते हैं यहां से चलता है, क्यू यहां से। तो देखिए क्यू पहले पहुंच जाएगा बी पर और फिर वापस लौटेगा, और मान लेते हैं एक्स दूरी पे है इसको मिलता है ये। तो आपको पता है भी टाइम सेम होगा, दोनों 10 बजे चले थे, मान लेते हैं 12 बजे मिलते हैं, दोनों ने दो दो घंटे लिए चलने में। टाइम अगर सेम है तो क्या होगा? डिस्टेंस हमें निकालनी है इस बार, तो डिस्टेंस ऑफ पी बटे डिस्टेंस ऑफ क्यू बराबर स्पीड ऑफ पी बटे स्पीड ऑफ क्यू। तो क्या होगा स्पीड ऑफ पी? स्पीड ऑफ पी कितना है? 26 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड ऑफ पी कितनी होगी? 26 किलोमीटर प्रति घंटा। और उसकी स्पीड कितनी है जी? 46, यानी ये आ गया 13/23। 13/23। तो आपको एक चीज बहुत ध्यान से समझनी। अब आप इधर ही देखेंगे, अभी कुछ भी नोट नहीं करेंगे। जैसे मैं देखूं तो ये एक तरीके से ये बोल रहा है कि जी इसने 13 दूरी चली है, यही तो बोल रहा है ये, बोल रहा है नहीं बोल रहा? और क्यू ने 23 चली है। क्यू ने इससे कितनी एक्स्ट्रा चली है? अगर हम यहाँ पे कट लगा दें तो 10, यानी 5 जाने में और 5 आने में, ये कह सकते हैं कि नहीं भाई? गया भी और आया भी है, और इस 5 की वैल्यू मुझे बतानी है। और आप बताइए पूरी कितनी है? 13 और 5 18, यानी 18 की वैल्यू तो 90 दे रखी है मुझे सवाल में, तो एक की कितनी आ जाएगी? 5, और मुझे बतानी 5 की है, कितनी हो जाएगी? 25, यानी x 25 के बराबर है, ये उत्तर है। आप अगर ये चीज नहीं बनाते, अगर मान लेते हैं कि आप ये चीज बनाते नहीं, तो आपको ये समझना पड़ेगा, एक चीज ध्यान से समझिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि जो p और q चल रहे हैं मिला के, वो 90 किलोमीटर दो बार चल रहे हैं, क्योंकि एक तो q पूरा चल रहा है, दूसरा q थोड़ा चल रहा है और बचा हुआ p चल रहा है, यानी कि इन दोनों का जो सम है 36 वो 180 के बराबर है। ये आपको पता लगाना पड़ेगा भाई, दो बार 90 कंप्लीट हो रही है, एक बार तो क्यू द्वारा, एक बार पी और क्यू द्वारा। तो यहां से भी एक की वैल्यू कितनी आ जाती? 5, और आप केवल पी की निकाल देते 13 की, 13 की कितनी आ जाती? 65। तो आपको पता लग जाता कि जी यहां से यहां तक 65 है, तो बची कितनी? 25, तो भी एक्स का मान 25 आ जाता। लेकिन अगर आप ये बात नहीं समझ पा रहे, तो फिर मैंने आपके लिए बताया कि भाई पी ने कितना चला है? 13 यहां से यहां तक, उसके बाद यहां तक 13 ही क्यू ने भी चला होगा,
लेकिन क्यू एक बार गया भी है और आया भी है और 10 ज्यादा चली है, यानी कि 5 जाने में और 5 आने में, और इस 5 की वैल्यू हमें बतानी थी। टोटल 13 और 5 कितना था? 18। 18 की वैल्यू 90 थी, 1 की 5, 5 की 25 आ गई। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? इस सवाल में किसी को भी डाउट नहीं होगा, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जो अभी कंसेप्ट पढ़ाया है उसको थोड़ा अप्लाई कीजिए। तो हो गया शांत। ये बेसिक सा सवाल है, बहुत बेसिक सा सवाल। ऐसे सवाल आप सेकंड्स में कर सकते हैं, मुझे आप पे भरोसा है। देखें, एक बच्चा प्रारंभिक चाल की 4/5 चाल से जाता है। ये मैंने लिख लिया यहाँ पे स्पीड, स्पीड, और यहाँ पे लिख दिया मैंने पहले, और यहाँ लिख दिया बाद में। तो आप देखेंगे 4/5 से जाता है, यानी कि पहले अगर 5 थे तो बाद में 4 से जाता है। हमें पता है कि जी टाइम तो उल्टा होगा, पहले 4 लगता होगा, अब स्पीड कम कर ली तो 5 लगता होगा। तो कितना लेट पहुंचेगा आदमी एक, और इस एक की वैल्यू सवाल में 18 मिनट दे रखे है। तो हमसे पूछ रहा है वास्तविक समय क्या है, यानी पहले वाला समय क्या है। तो आप बताइए, अगर एक की वैल्यू 18 है तो 4 की कितनी हो जाएगी? 72 मिनट, यानी कि पहले वाला समय 72 मिनट। अगर आपको इसको ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने स्पीड एस ली और टाइम टी। अब स्पीड कितनी हो गई? 4/5s। तो टाइम कितना होगा? 5/4। तो कितना ज्यादा लग रहा है टाइम? T/4। T/4 की वैल्यू 18 मिनट है, तो T की कितनी होगी? 72 मिनट। क्लियर है ये सवाल? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल आप देखिए, जब आपको मन करे कि आदमी कोई भी ट्रेन का सवाल नहीं करा रहा, तो आप चाइल्ड की जगह ट्रेन लिख लीजिएगा, बात वही पड़ेगी। देखें जी, इस सवाल को एक बच्चा घर से स्कूल जाते वक्त अपनी चाल प्रारंभिक चाल की 7/11 कर लेता और 22 घंटे में पहुंचता है। अगर ये लड़का स्कूल 22 घंटे में पहुंचेगा तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि अगले दिन पहुंचेगा या ये पढ़ेगा जाके, किस पर्पज से जा रहा है ये स्कूल। पता नहीं कैसे कैसे सवाल बना देते हैं, कोई सेंसिबिलिटी है ही नहीं सवालों की। ये स्पीड है जी, और 7/11 से जा रहा है, यानी कि पहले और बाद में देखें तो, पहले और बाद में, तो आप देखेंगे ये 11 है और ये 7 है। तो टाइम कितना होगा दोस्त? 7 और 11, तो आप खुद देखिए कि कितना देरी से पहुंचेगा। 4 घंटा देरी से पहुंचेगा, 4 घंटा देरी से। अभी इसने बोला है कि 22 घंटे लेकर पहुंच रहा है, ये हमारे हिसाब से 11 ले रहा है, यानी 11 की वैल्यू 22 घंटे, डबल है। जब ये 7/11 वाली स्पीड से जाता है तो 11 घंटे लगते हैं हमारे हिसाब से, सवाल के हिसाब से 22, यानी कि 4 की वैल्यू 8 घंटे आ जाएगी। तो अगर ये ओरिजिनल स्पीड से जाए तो 8 घंटे जल्दी पहुंच जाएगा, बचा लेगा। इसने ये पूछा है कितने घंटे बचा लेगा, तो 8 घंटे बचा लेगा। आप ये भी कर सकते थे कि यहाँ पे स्पीड लिखते, यहाँ पे टाइम। 7/11 स्पीड से जा रहा है दोस्त, तो टाइम कितना लेगा? 11/7 टी, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 22 घंटे। तो यहाँ से टी कितना आ जाता? 11 दूनी 22, टी आता 14 घंटे, यानी कितने घंटे बचा लिए? 8। ये भी एक तरीका था। तो आपके ऊपर है, आप किस तरीके से सवाल को सोचते हैं, किस तरीके से सवाल को करते हैं, इट्स ऑल अप टू यू, डोंट टेक इट अदरवाइज। इट ऑल हैव बीन टेकन, ऐसे हम कुछ भी नहीं बोल सकते, लेकिन I proved that
आई कैन टॉक इन इंग्लिश. देखिए भाई, सवाल ये था कि स्पीड पहले 11 थी, अब इसका 7/11 कर दिया, 7/11, तो ये 7 आ जाएगा या नहीं? स्पीड बाद में 7 हो गई, यानी कि टाइम पहले 7 लगता था, बाद में 11 लग रहा है. सवाल में कह रहा है बाद में 22 लग रहा है, 11 की जगह 22 है, और ये पहले 7 लगा रहा था, अभी 11 लगा रहा है. पहले वाली स्पीड से जाएगा तो कितने बचा लेगा? 4. 4 की वैल्यू पता नहीं है, तो 11 की 22 है, 4 की 8 हो गई. अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो ये तरीका ठीक है कि भाई आपने एस मान लिया, टी मान लिया, तो 7/11 एस, तो टाइम कितना होगा? 11/60 टी, जो 22 के बराबर दे रखा है. तो टी कितना आ गया? 14, यानी कि अभी 22, पहले 14, कितने घंटे बचा लेगा? 8. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. ये सवाल देखिए कि कार ट्रेवल्स 5/7 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, कवर्स 42 किलोमीटर इन 1 आवर 40 मिनट 48 सेकेंड, तो व्हाट इज द यूजुअल स्पीड ऑफ द कार? देखिए भाई, इस सवाल को अगर करना है तो कैसे करना चाहिए? मेरे हिसाब से ये सवाल पेपर में आया हुआ सवाल है, एसएससी में. मेरा हिसाब क्या कहता है, देखिए सब हर आदमी का अपना अपना अलग अलग हिसाब होता है, तो उसमें मेरा हिसाब क्या कहता है ये देखिए. पहले कह क्या रहा है सवाल, आप मुझे लगता है कि अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है और आप उसी कैलकुलेशन में फंस गए. एम आई राइट? बाकी कुछ नहीं है इस सवाल में, कैलकुलेशन के अलावा इस सवाल में कुछ भी नहीं है. देर इज नथिंग एक्सेप्ट कैलकुलेशन, ठीक है? देर इज नथिंग बट कैलकुलेशन, एक ही बात है. तो एक कार अपने सामान चाल की 5/7 चाल से जा रही है, तो वो 42 किलोमीटर की दूरी इतनी देर में तय कर रही है, तो कार की सामान चाल. अगर मैं कार का सामान टाइम निकाल लेता हूँ तो मैं 42 को भाग लगा दूंगा उससे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो कार 5/7 से जा रही होगी तो उसको टाइम 7/5 लग रहा होगा. बोलो बात सही है कि नहीं? और उस 7/5 टाइम की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 1 घंटा 40 मिनट और 48 सेकेंड. अब आप खुद देखेंगे कि 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 5 घंटा 200 मिनट और 240 सेकेंड, यही आ जाएगी. अब मुझे एक्चुअली 7 से भाग भी लगाना है, 7 से भाग भी लगाना है, मेरी ये भी कितनी बन जाएंगी? 4 मिनट बन जाएंगी. अगर मुझे 7 से भाग लगाना है तो मैं 2 घंटे और ले लेता हूँ इधर से, तो 7 घंटे और मिनट कितनी बचेंगी? 80 और 4 84 मिनट, यानी कि टाइम की वैल्यू आ गई 1 घंटा 12 मिनट, जिसको मैं लिख सकता हूँ 6/5 आवर्स. ये मेरा एक्चुअल टाइम आ गया. अब मुझे स्पीड निकालनी थी, तो स्पीड कितनी होगी? 22/6/5, 35 किलोमीटर प्रति घंटा, यही उत्तर है इस सवाल का. तो आप समझिए, कैलकुलेशन इज द बेसिक पार्ट, कैलकुलेशन मस्ट है. अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती तो आप कुछ नहीं कर सकते. एक बार और बताता हूं मैंने क्या किया. देखिए, मैंने ऐसी कैलकुलेशन की कि जो आसान बन गई. तो कैलकुलेशन और भी बहुत तरीके के. मैंने कहा कि जब इसकी स्पीड 5/7 है, इसका मतलब इसने टाइम लिया होगा 7/5 टी. अगर नॉर्मल टाइम इसका टी है तो इसने 7/5 टी लिया होगा. टी तो इसका वो नॉर्मल टाइम निकाल देते हैं टी, तो
तो 5 से इधर गुणा की तो 5 घंटे हो गया, इसको किया 200 मिनट हो गया। कहीं भी आप बताओ कैलकुलेटर की जरूरत पड़ी नहीं। अब मुझे पता है कि ये 4 मिनट है। अब मुझे पता था कि मुझे तो टी की वैल्यू निकालनी है, 7 से भाग करना, मैं चाहता तो 8 घंटे लिख देता, मैं नहीं लिखा, मैंने 7 ही घंटे लिखे और मिनट कितनी बच गई, 80 इधर और 4 ये 84 मिनट। भाग भी आसानी से लग गया 1 घंटा 12 मिनट, जिसको मैंने लिख दिया 6/5 घंटे, क्योंकि 1/5 घंटे के बराबर होता है, तो नॉर्मल टाइम आ गया इसका 6/5 घंटे। अब दूरी चल रहा था 42 किलोमीटर, तो नॉर्मल स्पीड क्या हो जाएगी, 35 किलोमीटर पर आवर। ये वन ऑफ द बेस्ट कैलकुलेशन है, इसके अलावा कोई और कैलकुलेशन नहीं हो सकती। आप अगर सोचते हो कि इस सवाल में कोई और कैलकुलेशन हो जाएगी तो नहीं हो पाएगी, दिस इज द बेस्ट कैलकुलेशन। चलिए आपकी इजाजत है तो आगे बढ़े। आगे बढ़ना हमारी जिम्मेदारी है। ये सवाल मेरा फेवरेट सवाल है, क्योंकि इसमें मेरा फेवरेट नाम आया हुआ है, समीर। आई वांट माय नेम समीर और अक्षय, बट घर वालों ने रख दिया। देखिए ये सवाल कह क्या रहा है, ऐसे सवाल कल आप देखेंगे, मैं काफी सारे सवाल ऐसे लेके आऊंगा कि ऐसे सवाल प्री और मेंस में लगातार आ रहे हैं। 2016-17 में ऐसे सवाल कम से कम 10 से भी ज्यादा आए हैं कि एक राजधानी ट्रेन उससे ज्यादा टाइम लेती है, उससे कम। ये मौखिक सवाल है, ओरल सवाल है, इन सवाल में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जिन बच्चे से सवाल नहीं हो रहे, हम ये नहीं कहेंगे कि वो बच्चा पागल है, हम ये कहेंगे कि हम उसको समझाएंगे तो वो समझ जाएगा, ठीक है। 45 किलोमीटर की दूरी तय करने में अभय को समीर से 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। इधर ही देखो, अब अपना ज्ञान अपने पास रख लो थोड़ी देर के लिए। ये समीर है लड़का एस, और अभय को इससे 2 घंटे ज्यादा लगते हैं, यानी कि +2 आवर। कब, जब अभय अपनी नॉर्मल स्पीड से जाता है, स्पीड को यहाँ पे वी से डिनोट कर लेते हैं, और नॉर्मल टाइम लगता है, ठीक है जी। अब अभय क्या करता है, अपनी चाल डबल कर देता है। अभय अपनी चाल डबल कर देता है 2B, तो आप भी जानते हैं कि टाइम इस केस में आधा हो गया होगा, और अभय अब इससे 1 घंटा कम लेता है, ये दिया हुआ है जी सवाल में। आप मुझे खुद बताओ कि अभय अगर अपनी चाल दुगनी कर देगा तो अभय को आधा टाइम लगेगा, यानी कि आधा टाइम अभय अपना बचा लेगा या कम कर लेगा, T/2 टाइम, ये कह सकते हैं नहीं कि T/2 टाइम अभय अपना कम कर लेगा। अच्छा, अभय ने कितना कम किया, देखिए पहले तो अभय इसके बराबर आया होगा 2 घंटे कम करके, उसके बाद और 1 घंटा कम ले रहा है, यानी कि अभय ने अपने 3 घंटे कम किए। अगर वो पहले 13 लेता था तो अब 10 ले रहा है, यही तो कहेंगे भाई 3 घंटे कम किए हैं अभय ने अपने, यानी कि जो T/2 टाइम कम किया है अभय ने, यही 3 घंटे के बराबर है। तो अभय का नॉर्मल टाइम कितना हो गया, 6 घंटे। मैं मौखिक ही बता सकता था, मैं मौखिक ही बता सकता था कि जो आदमी पहले 2 घंटे ज्यादा ले रहा था, अब 1 घंटे कम ले रहा है, यानी कि 3 घंटे बचा रहा है। और कोई भी आदमी जब अपनी स्पीड डबल करता है तो टाइम आधा हो जाता है, यानी आधा टाइम बचता है, आधा टाइम ही 3 घंटा है, तो पूरा टाइम क्या होगा, 6 घंटे। और 6 घंटे में अगर ये आदमी 45 किलोमीटर की दूरी चल रहा है, 45 किलोमीटर अगर ये आदमी चल रहा है, तो 1 घंटे में कितना चलेगा दोस्त, 45/6, यानी कि यह आ जाएगा 6/7 42, 7.5 किलोमीटर पर आवर। अब एक बात आपको यहां और समझनी पड़ेगी, इसमें सिर्फ क्या पूछा गया है, अभय की चाल, अभय की चाल पूछी गई थी किसकी, समीर की। ये तो हमने अभय की निकाल दी, आप बताइए अभय नॉर्मली कितने घंटे ले रहा है जी, 6, और समीर से 2 ज्यादा लेता है, यानी समीर कितने लेता था, 4, तो समीर 4/45 चलता है, तो 1 में कितना चलेगा जी, 11.25। ये अब है समीर की स्पीड, 11.25 किलोमीटर पर आवर। सवाल में जो खेल है जी वो अभय और समीर का ही है, ऑब्वियस सी बात है, इन्हीं दोनों का है, हमारा आपका तो कोई रोल ही नहीं है। देखें भाई साहब, ये समीर था, ये अभय था, और ये नॉर्मल स्पीड से जाता था तो समीर से 2 घंटे ज्यादा लेता था, जब इसने अपनी स्पीड डबल कर दी तो 1 घंटा कम ले रहा है,
यानी कि कोई भी आदमी जब अपनी स्पीड डबल करता है तो टाइम कितना लगता है, आधा। तो ये आधा टाइम बचा रहा है T/2, और ये 2 घंटे और ये -1 घंटे, यानी कि 3 घंटे कम कर रहा है। तो ये T/2 3 घंटे के बराबर है, T कितना आ गया, 6 घंटे के बराबर। 6 घंटे में 45 किलोमीटर चलता है, 1 घंटे में कितना चलेगा, 7.5। 1 घंटे में चलेगी दूरी को क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। ये आदमी 6 घंटे लेता है, जब ये इससे 2 घंटे ज्यादा लेता था, यानी ये कितने लेता है, 4 घंटे। ये 4 घंटे में 45 किलोमीटर चलता है, 1 घंटे में कितना चलेगा, 11.25, इसकी स्पीड आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो गया, ये आप देखिए, ये बहुत बहुत अच्छा सवाल है ये। ये सवाल मैं एक सेकंड ये देख रहा हूं कि ये उसका तो नहीं है। आप कर लो, अब जिसका भी होगा कर लेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा जी। देखिए, ए और बी की स्पीड क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 13 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। चाल से एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं। 4 घंटे बाद ए अपनी चाल दोगुनी कर लेता है और बी अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लेता है, और एक निश्चित स्थान पर दोनों व्यक्ति एक ही समय पहुंचते हैं। तो कुल कितने घंटे की यात्रा थी ये बताना है। देखिए, दोनों चले साथ साथ। अभी देखिए, मैं रिलेटिव स्पीड आपको नहीं बता पाऊंगा, जिससे सवाल छोटा हो जाता है, क्योंकि मैं रिलेटिव स्पीड आपको पढ़ा ही नहीं है। मैं तो सिर्फ इतनी बात बताऊंगा कि भाई ए 4 घंटे में कितना चल देगा, 4 × 8 = 32 किलोमीटर, और बी कितना चल देगा जी 4 घंटे में, 13 × 52 = 52 किलोमीटर। यानी कि ये इससे कितना आगे है, ये दूरी की अगर मैं बात करूं तो आप बोलेंगे कि जी ये दूरी है 20 किलोमीटर। ये दूरी 20 किलोमीटर है, और अब तक 4 घंटे की यात्रा हो चुकी है, 52 किलोमीटर। ठीक है, 4 घंटे की यात्रा हो चुकी है। अब आप बताइए, इसने बोला है कि ए अपनी चाल दुगनी कर लेता है, ए अपनी चाल दुगनी कर लेता है। मान लेते हैं कि अब ए यहाँ पे खड़ा हुआ है, जिसकी चाल कितनी है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, और 20 किलोमीटर पे बी खड़ा हुआ है, जिसकी चाल कितनी है जी, 12 किलोमीटर। अब आप मुझे खुद बताइए, ये 16 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये इतने, आप मुझे बताइए, अगर ये सेम पहुंच रहे एक स्थान पे, इन्होंने बोला हुआ है कि ये सेम पहुंच रहे हैं, टाइम सेम है, ठीक है, तो या तो हम दूरी निकालें, या हम ये देख सकते हैं कि पर आवर 1 घंटे में, 1 घंटे में ये 4 किलोमीटर कवर कर लेगा। ये 16 चलेगा, ये 12 चलेगा, तो 4 कवर कर लेगा, और इसे कवर कितनी करनी है, 20। यानी कि अगर इसको 20 किलोमीटर कवर करने हैं, तो इसको 5 घंटे देने पड़ेंगे, तब जाके सेम टाइम पे एक दूसरे के साथ एक ही जगह पहुंचेंगे, 5 घंटे देने पड़ेंगे। इसी चीज को आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि भाई टाइम कैसे निकलेगा, रिलेटिव स्पीड पता है, तो 20/12, 16 - 12 = 5 घंटे, यानी कि 5 घंटे अभी और लगेंगे। तो देखिए, 4 घंटे इन्होंने पहले बर्बाद किए, और 5 घंटे इन्होंने फिर बर्बाद किए, और 9 घंटे लगे। कभी भी आदमी 9 घंटे लगा के कहीं अच्छी जगह नहीं पहुंच सकता। अच्छी जगह तो 30 मिनट के आसपास भी होती है। 9 घंटे लगा रहा है, यानी टाइम पास कर रहा है। वो बच्चा ही देखा था आपने, 22 घंटे में स्कूल पहुंच रहा है। कोई तो क्या बताई 22 घंटे में स्कूल पहुंचने के। क्लियर है भाई बात, दोबारा से समझ लो अगर नहीं समझ में आ रही है तो। ठीक है, कि इसने कितना चला, 8 × 32, इसने कितना चला, 52। हम रिलेटिव स्पीड से ये भी पता कर सकते थे कि इससे हर घंटे में 5 किलोमीटर आगे निकल रहा है। हर घंटे में 5 किलोमीटर आगे निकल रहा है, तो 4 घंटे में 20 किलोमीटर आगे निकल जाएगा,
और अगर 4 घंटे में ही 20 किलोमीटर आगे निकल जाएगा, और जब ये स्पीड डबल कर लेगा तो ये 1 घंटे में 4 किलोमीटर कवर करेगा, तो उस 20 को कवर करने में 5 घंटे लगेंगे, तो 5 और 4 9 घंटे हो जाते, कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। ये सवाल देखिए, सवाल कह रहा है कि ये ट्रेन एक कार से 30% तेज दौड़ती है, दोनों एक ही साथ एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करती हैं और 78 किलोमीटर इससे दूर बिंदु बी पर एक ही समय पर पहुंचती है, क्योंकि रास्ते में ट्रेन अपने 9 मिनट बर्बाद करती है। यदि ए और बी के बीच की दूरी 78 किलोमीटर है तो कार की चाल क्या है? इतना मासूम सा सवाल पूछा गया है आपसे। देखें भाई, एक ट्रेन एक कार से 30% तेज दौड़ती है, ये हमने बना ली ट्रेन, ट्रेन और ये कार है। अब अगर मैं स्पीड की बात करूं तो आप बोलेंगे जी अगर ये 100 दौड़ती है तो ये 130 दौड़ती है, रेशियो है जी 13 और 10 का, तो टाइम का कितना होगा दोस्त, 10 और 13 का। लेकिन सवाल में ये कह रहा है कि ये एक ही समय पर पहुंचती है और एक ही समय पर चलती थी, उसकी वजह है, वजह क्या है कि इसने अपना कुछ टाइम रास्ते में खराब किया। आप बताइए ये इसके बराबर टाइम ले उसके लिए इसको कितने मिनट अपने खराब करने पड़ेंगे, 3। अगर ये 3 मिनट अपने खराब कर देती है ट्रेन तो ये भी 13 में पहुंचेगी और ये भी 13 में पहुंचेगी। सवाल में इस 3 की वैल्यू 9 दे रखी है, 9 दे रखी है नहीं, 9 मिनट। अगर 3 की वैल्यू 9 मिनट है तो 13 की कितनी होगी, 39 मिनट। तो मुझे ये पता लग गया कि जो कार है ना वो 39 मिनट लेती है और दूरी कितनी चलती है दोस्त, 78 किलोमीटर डबल चल रही है। आप जानते हो कि 60 मिनट यानी कि 1 घंटे में चलेगी दूरी को स्पीड कहते हैं, तो 60 मिनट में कितना चलेगी, 120 किलोमीटर डबल, तो 120 किलोमीटर बराबर इसकी स्पीड है। 120 किलोमीटर बराबर क्या है, इसकी स्पीड है। अगर हम बहुत ध्यान से देखें, हम देखें तो इसकी ये 100 थी, ये 100 थी और ये 130, यानी 30% ज्यादा दौड़ रही थी, तो 13 और 10 का रेशियो था, तो ये कितना हो गया, 10 और 13 का रेशियो हो गया। तो 3 मिनट अगर ये खराब करे रास्ते में तो इक्वल टाइम पे पहुंचेगी, तो 3 की वैल्यू 9 मिनट है, 39 की कितनी होगी, 78, 60 मिनट 120 किलोमीटर बराबर। चलिए आज के लिए इतना ही और लाइव में विदा लेता हूं अब आपसे, और उसके बाद फिर हमारी मुलाकात होगी कल टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पार्ट 2 में, तो ठीक है, बाय गुड नाइट। हाँ बोलो भाई, रुक जाओ बैठे रहो, बहुत जल्दी रहती है तुम्हें निकलने की, अभी तो मैंने लाइव से विदा ली है, तुम तो बैठे रहो अभी। इस सवाल में किसी को डाउट है, इससे पहले वाले सवाल में किसी को डाउट हो, किसी भी सवाल में, जितने सवाल आज के क्लास में पढ़ाए हैं इसको दोबारा बताता हूं। मैंने बोला मान, ठीक है रख दो, रख दो यहीं, रख दो कुर्सी पे रख दो। ठीक है, हमने ये कहा कि भाई अगर कार की स्पीड 100 है, अभी दो सवाल और करेंगे, ठीक है, जल्दी तो नहीं है, कोई जल्दी नहीं है ना, दीपक जी ने कह दिया डन है मामला, ये उनके लिए जिनको ज्यादा जल्दी होती है, तो अब और जल्दी लो, कोई बात नहीं, मैं 16 सवाल का टारगेट बना के आया था, अभी 14 हुए।
टाइम पास नहीं कर रहा, सवाल समझा रहा हूँ दीपक जी को। हीरो क्यों बन रहे हो तुम? मतलब तुम्हारी नौकरी लग गई तो तुम हीरो बनोगे? हमने कैंसिल होती भी देखी है हरियाणा की जॉब है। हमने मान लिया कि जी कार की स्पीड है 100 और ट्रेन 30% तेज दौड़ती है तो उसकी कितनी हो गई 130। तो अब आप देखेंगे ट्रेन का कितना हो जाएगा, 10 और 13 का रेशियो उल्टा हो जाएगा टाइम का। अब आप बताओ ट्रेन 10 मिनट ले रही है या जो भी है 10 टाइम ले रही है और वो 13 ले रही है। अब अगर ये इक्वल टाइम पे पहुंचना चाहते हैं, अगर ये इक्वल टाइम पे पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए इसको 3 मिनट खराब करनी पड़ेंगी अपनी, करनी पड़ेंगे। नहीं सवाल में कह रहा था जी 9 मिनट खराब करते हैं, तो 3 की वैल्यू 9 मिनट है, 13 की कितनी होगी 39 मिनट। तो ये पता लग गया मुझे कि कार का जो टाइम है वो 39 मिनट है और ये दूरी चलती है 78 किलोमीटर, यानी 39 मिनट में 78 किलोमीटर डबल डिस्टेंस, तो 60 मिनट में 120 और 60 मिनट मतलब 1 घंटे में चलेगी दूरी को ये कहते हैं। बेटा मन नहीं करता पढ़ने का, भूख लग रही है, बताओ सच सच बताओ भूख लग रही है? मन नहीं कर रहा, बस एग्जॉस्ट हो गए, कोई बात नहीं फिर कल पढ़ लेंगे ठीक है, चलो जाओ। आपकी कोचिंग में चला देंगे।